वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग ऑन हिस्ट्री इन्फो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीजापुर के कुछ रॉयल पैलेसेस जो आज अरा किला के अंदर में मौजूद हैं। जैसे कि हमने देखा है, गगन महल, आनंद महल, ये भी एक महल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसको परक महल कहा जाता है। इसको इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने यानी दुअम ने बनाया था। ये भी एक काफ़ी बड़ा महल था जो आज डीसी ऑफिस में तब्दील हो चुका है। इसकी खूबसूरती आज बहुत कुछ हमें कहती है। ऐसे महलात उस दौर में आदिलशाही डायनेस्टियों ने इसी एरिया में यानी कि पुराने बिजनहल्ली एरिया, जिसको आज हम अरे किला का एरिया कहते हैं, यहाँ पर ही सभी महलात उस दौर में रिहायशी इलाके रॉयल लोगों के लिए होते थे। उन्हीं में से आज हम आपको बता रहे हैं ये परक महल। ये काफ़ी खूबसूरत महल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब आप बीजापुर आएंगे तो ये बस स्टैंड से बेहद करीब है। ये गगन महल और आनंद महल से भी करीब है, जो आज इसको अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट के यूज़ में रखा गया है, इसीलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर आते नहीं। इसको परक महल कहते हैं। इसी का नाम भी किसी को पता नहीं, मगर इसको परक महल कहते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत महल है। ऐसे ही आगे हम आपको और तीन चार महलात और उसके बारे में डिटेल बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों। ये आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, आपको अच्छी जानकारी आज मिलने वाली है। अब हम आपको दिखाएंगे बीजापुर की पुरानी फूड स्टोरेज ग्रैनरी, जो आज सात का महल यानी सात मंजिल के बाजू में है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्टैंड के पीछे में ही यहाँ पर एक ग्रैनरी स्टोर यानी फूड स्टोर करने के लिए यूसुफ आदिल शाह के दौर में बनाया गया था। इस ग्रैनरी में सभी तरीके के फूड स्टोर किए जाते थे, जो रॉयल लोगों को और बीजापुर की आवाम के लिए रखे जाते थे। इसी के बगल में आज सातका का महल यानी सात मंजिल, जिसको हम आपको बताने आए हैं। इस सात मंजिल को इब्राहिम आदिल शाह दुअम ने 1583 में यानी 1583 में बनवाया था। एक बड़ा सा स्क्वेयर रिहायशी इलाका भी है और यहाँ पर फूड स्टोर करने के लिए और कई सारे कामों को अंजाम देने के लिए इस महल को बनाया गया था। यहाँ पर काफ़ी सारे वाटर फाउंटेन्स और बहुत तरीके के इंटीरियर के डिज़ाइन वगैरह आपको दिख सकते हैं। आज इसके सिर्फ पांच ही मंजिल बचे हैं। इसको उस ज़माने में सात खाखा मंजिल यानी सात मंजिल कहा जाता था, जो इब्राहिम आदिल शाह दुअम का महल था। इसके सभी स्क्वेयर यार्ड में यानी कि आसपास में आज भी कंपाउंड्स और पुराने कमानात मेहराब वगैरह आज भी मौजूद हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पर फाउंटेन भी हुआ करता था एक स्क्वेयर में बीच में, जो आज मौजूद नहीं है। जैसे कि इससे पहले हमने मुबारक खान और जो कुमटगी के वीडियोस थे, जो वाटर रिलेटेड फाउंटेन के डिटेल में जो हमने बताए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी वाटर फाउंटेन वगैरह यूज़ किया गया था उस दौर में इब्राहिम आदिल शाह दुअम द्वारा। ये देखिए, इसका इतना बड़ा कोर्टयार्ड यानी यार्ड है यहाँ पर। ये सभी इलाके हैं उस दौर के रॉयल लोगों के रिहायशी इलाके। आज देखिए इनकी हालत क्या हो गई है और कितनी खस्ता हो गई है। ये अभी सभी गवर्नमेंट अंडर में यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में यूज़ किए जा रहे हैं। इन महलात में ऑफिस, सभी सर्वे ऑफिस वगैरह यहाँ पर और एग्रीकल्चर ऑफिस वगैरह यहाँ पे है।
जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा स्क्वेयर यार्ड है। आए हम आपको आज का तीसरा महल बता रहे हैं, ये है गगन महल। जैसे कि आप इस कमान को देख रहे हैं, ये है यहाँ का पुराना बाथरूम। नहाने के लिए यहाँ पर पुराने ज़माने में हमाम्स वगैरह, ये शाही हमाम्स हैं दोस्तों। ये गगन महल के पीछे बाजू में जो मौजूद हैं, ये शाही हमाम हैं। उस दौर में अली आदिल शाह ने यहाँ पर इस गगन महल की तामीर 1561 में की थी। ये एक महान दरबार हॉल था और यहाँ पर सब में पहले जो सुल्तानों का रिहायशी इलाका था, इसी महल में था। उसके बाद में आनंद महल और परक महल बने। ये सब में पहले अली आदिल शाह ने यहाँ पर रिहायशी रहने के लिए अपने लिए जो महल बनाया था, गगन महल, वो आज हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये हमाम देखिए, इसके पीछे ही और एक शाही हमाम है जो यहाँ से अरुश महल के तरफ जाने का रास्ता हमको दिखाता है। आए हम आपको इसका सामने का व्यू दिखाएंगे। ये काफ़ी बड़ी कमान है, यानी कि मेहराब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 60 फीट 9 इंच है और इसके दो बगल में दो कमाने हैं। कहा जाता है कि इसके ऊपर ऐसा ही एक और एक फ्लोर था और साइड में से दो स्टेयरकेस थे। एक जो रिहायशी इलाका, जो ऊपर रहने के लिए बादशाह के लिए रिहायशी इलाका और ये दरबार हॉल भी था। उस दौर के सभी कामों को, यानी कि सल्तनत के सभी कामों को अंजाम देने के लिए इसको बनाया गया था। इस खूबसूरती से इसकी तामीर 1561 में अली आदिल शाह ने की थी। एक दरबार हॉल होने की वजह से और यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे। इसके ऊपर भी रिहायशी इलाका था, यानी कि रहने के लिए भी बनाया गया था। अभी वो सभी टूट चुका है। आए हम आपको दिखाएंगे ये अरुश महल। अरुश महल, इसकी तामीर मोहम्मद आदिल शाह द्वारा की गई थी, क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह की एक बीवी का नाम अरुश बेगम था, उसी लिए इस महल का नाम अरुश महल कहा जाता है। ये गगन महल के बिल्कुल पीछे में है। इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी दिलचस्प बात है। ये देखिए, जो गगन महल से जो हम पीछे आते हैं तो ये अरुश महल को उसका रास्ता निकलता है। ये जो लाल दरवाज़ा आपको दिख रहा है, यहाँ से रॉयल एंट्री थी राजा और रानी के लिए। कहा जाता है कि यहाँ से जब राजा और रानी इंटर होते थे तो सामने के जो मेन एंट्रेंस हॉल में पब्लिक होती थी, उनको पता भी नहीं चलता था कि यहाँ से राजा और रानी एंटर होके महल में आ चुके हैं। ऐसे गुप्त रास्ते यहाँ पर बनाए गए थे। इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था। आज इसको चर्च में तब्दील कर चुके हैं। हालांकि ये अरुश महल है जो मोहम्मद आदिल शाह ने अपने लिए अपने बीवी के नाम से इस महल को बनाया था। ये भी महल इसी इलाके में मौजूद है, जैसे कि अरे किले के अंदर सभी रॉयल पैलेसेस के बीच में इसको बनाया गया।